नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़ जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई दे रहे थे जश्न मना रहे थे खुशियां मना रहे थे उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता तमाम लोग केक काट रहे थे बधाइयाँ दे रहे थे तो दूसरी तरफ देश में जो नौ महीने से किसान आंदोलन चल रहा है लगभग साल भर होने ही वाले हैं तो राकेश टिकैत ने इसमें एक बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दो दो बधाई देना चाहूँगा मैं दो शुभकामनाएं देना चाहूँगा एक तो देश में पीएम नरेंद्र मोदी के लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके जन्मदिन पर लेकिन दूसरी तरफ मैं काला झंडा लेकर हवन कर रहा हूँ और उन्हें काला दिवस का जो है बधाई दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसे साफ़ जाहिर है कि राकेश टिकैत के इस बयान से उनके कहने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने तीन नए कृषि कानून को लेकर नज़रअंदाज़ किया है उनकी मांगों को अभी तक नहीं पूरा किया गया है किसानों के साथ जो बदसलूकी हुई है तरह तरह के नामों से उन्हें पुकारा गया है यही वजह है कि राकेश टिकैत नाराजगी जता रहे थे आज पूरा हिंदुस्तान उनको सेलिब्रेट कर रहा था और बधाइयाँ दे रहे थे तो इस बीच में राकेश टिकैत ने उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि काला दिवस जो है मना रहे हैं झंडा फहराकर हवन भी कर रहे हैं हाँ इतना ही नहीं राकेश टिकैत के अलावा और भी अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच करने का फ़ैसला किया था काला दिवस मना रहे थे ये तमाम चीज़ आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देखने को मिला है अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राकेश टिकट का क्या बयान रहता है क्योंकि राकेश टिकट इन दिनों वो भी खूब चर्चा में आ गए हैं और तरह तरह के बयानों को लेकर एक अब्बाजान वाले मसले पर भी आया क्योंकि उन्होंने उसदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चर्चा जान कह दी तो अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर होता क्या है फिलहाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें एस पी न्यूज़ नमस्कार